हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ArcGIS सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करना हो अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने इंस्टॉल वाले फोल्डर में जाना है और यहाँ से आपने ArcGIS डेस्कटॉप वाला जो सेटअप है इसको आपने क्लिक करना है। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर वाले सेटअप के ऊपर तो आपके पास ये वाला एक पेज आ जाएगा। यहाँ से आपने सिंपली नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर आपने डू दिस फॉर ऑल कॉन्फ्लिक्ट पे क्लिक करके यस ओवरराइट इट कर देना है। अभी आपका डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये सारी फाइलें एक्सट्रैक्ट करके डाउनलोडिंग स्टार्ट ना कर ले। इंस्टॉलेशन के बाद लॉन्च द सेटअप प्रोग्राम आ गया, आपने सिंपली क्लोज कर देना है और आपका सेटअप जो है यहाँ के दोबारा आपने यस कर देना है। अब जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का नॉर्मल तरीका होता है कि आपने सिंपली नेक्स्ट करना है, लेकिन जब भी कोई क्लिक करें तो एक बार उसको रीड कर लीजिएगा कि किसके रेलेवेंट पूछा जा रहा है। यहाँ पर एग्रीमेंट के लिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपने कंप्लीट करना है या कस्टम करना है तो बाय डिफॉल्ट कंप्लीट ही आपने सेटअप को टिक रहने देना है और फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। ये हमें पाइथन फोल्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है इसे ही रहने देना है। इसी तरह दोबारा नेक्स्ट करके इंस्टॉल हमने करना स्टार्ट कर देना है। अब इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लगेगा, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग या कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम लगता होता है हर लैपटॉप या कंप्यूटर में। मे बी इंस्टॉलेशन में 5 मिनट लग जाए, आपके 10 मिनट लग जाए, लेकिन अगर आपका कोई कंप्यूटर या लैपटॉप अच्छा है तो मे बी ये 2 से 3 मिनट में आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो सिंपली आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ही एक पेज आएगा जो कि आपकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग बता रहा है, आपने सिंपली ओके कर देना है। ओके कर देंगे। अब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है तो ये चेक करने के लिए आपने अपने सर्च बार में ArcGIS लिखेंगे तो आपके पास ये आर्क मैप वाला आइकन नज़र आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक लाइसेंस का एरर आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आपने सिंपली एक बार ओके करके यहाँ के दोबारा आप ARC लिखेंगे तो इस आइकन को आपने एक बार अपने डेस्कटॉप पे बाहर आइकन शो करवा लेना है। वो करवाने का क्या तरीका है, आपने राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन में जाना है, ये वाले आइकन पे आप दोबारा राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन में जाके यहाँ से आपने सेंड टू डेस्कटॉप कर देना है, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि आप सिंपली इसको कॉपी करें और अपने डेस्कटॉप पर पेस्ट कर दें। जब ये आइकन आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा तो आपने सिंपली पे राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है। तो जब आप ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक फोल्डर आ जाएगा जिसमें डिफरेंट फाइलें इंस्टॉल ऑलरेडी हैं। तो एक बार इसको हम मिनिमाइज करते हैं और दोबारा वही फोल्डर ओपन करते हैं जहाँ से हमने इसको इंस्टॉल किया था। तो आपने देखा होगा कि ये वाले फोल्डर के बैक पे ही आपके पास एक और फोल्डर है जो कि हमारा है पैच का, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन के लिए हमने इंस्टॉल वाले फोल्डर में गए थे, लेकिन इसको पैच करने के लिए हम पैच वाले फोल्डर में जाएंगे, यहाँ प्रोग्राम फाइल वाले फोल्डर में जाएंगे, फिर ArcGIS में जाएंगे, यहाँ डेस्कटॉप में जाएंगे और बिन फोल्डर में हमारे पास एक फाइल है afcore.dll। सिंपली आपने ये वाली फाइल को कॉपी करना है और कॉपी करके आपने वहाँ पर पेस्ट करना है जो कि हमने ArcGIS आइकन पे राइट क्लिक करके उसकी फाइल लोकेशन को ओपन किया था। यहाँ जब आप कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पे आपने रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन पे क्लिक करना है, फिर आपने कंटिन्यू करना है। जब फाइल आपकी कॉपी हो जाए तो आपने सिंपली इसका फोल्डर को क्लोज कर देना है। दोबारा आप इसी को ओपन करेंगे तो अब जो हमारा पहले ओपन करने के लाइसेंस का इशू आया था वो हमारा इशू नहीं आएगा, क्योंकि अब हमने इस सॉफ्टवेयर को पैच कर लिया है। तो अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं यहाँ पर कि आपने कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करना है या आपने कोई स्टैंडर्ड पेपर साइज लेना है। तो हम सिंपली एक काम करने के लिए ब्लैंक मैप ही लेते हैं, ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया है जिसमें काम करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर के कैसे हमने ArcGIS सॉफ्टवेयर को लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।